लो गाइस, पैकिंग वगैरह हमारी हो चुकी है और चलते हैं हम अब अपनी राइड पे। और सबसे पहले मैं जाऊंगा गुरुद्वारे में अपने यहाँ पे, तो वहाँ पे मत्था वगैरह टेक के और निकलता हूँ यहाँ से जल्दी जल्दी। आज मैं लेट हो चुका हूँ, 10 बज चुके हैं सुबह के, सन भी देख सकते हैं आप कहाँ आ चुका है और टाइम लगेगा, देखते हैं पहुँचते हैं किस टाइम पर। बहुत ज़ोर लगाऊँगा कि जल्दी पहुँच जाऊँ। गाइस, आज ब्लॉग की शुरुआत करते हैं अपने गुरुवर से, तो पहले यहाँ मत्था वगैरह टेक के और फिर चलता हूँ मैं चंडीगढ़ मोहाली, जो कि यहाँ से टोटल 110-100 किलोमीटर होगा। सो आज वहाँ पहुँचूँगा हर हालात में, और वैसे मैं लेट हो चुका हूँ। और यहाँ मत्था वगैरह टेकते हैं और फिर मैं चलता हूँ, यहाँ करता हूँ साइकिल पार्क, यहीं भी शूज निकलता हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग, होप ऑल डूइंग वेल। आप सब अच्छे होंगे अपने घर पे स्वस्थ। और अभी हम आज जा रहे हैं मोहाड़ी, बंदी सिंह जी दी रिहाई दे उठे लगा हुआ धरना लगा हुआ, तो अज आप उत्थे चले हैं, तो उत्थे जाके तुहानू सारयां नू दिखाना की है। पहला आपां वी उहदा पार्ट बणांगे, तो फिर जिहदे जिहदे कोल टाइम कढ के जरूर उस धरने दे जाओ, क्योंकि जो भी है वो अपने लिए कर रहे हैं, ठीक है ना, और किसी लिए तो कर नहीं रहे। मेरे सारे सिख भरावां नू सब नू रिक्वेस्ट आ कि सीना जिन्हां कोल टाइम ते उत्थे विजिट करो, ते अज साडी राइड उत्थे दी होगी। ओ शिट यार, मेरा एक फोन घरे रह गया, कोई नहीं, चलो। ये है भाई यहाँ के खेतों का व्यू, जैसे कि गाइस अभी मैं बुनी पहुँच चुका हूँ, ठीक है। यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर हाईवे है, तो हाईवे पे चढ़ जाऊँगा। सो गाइस, मेन हाईवे पे मैं पहुँच चुका हूँ और अभी गियर डाउन कर लेते हैं नीचे, क्योंकि आगे चढ़ाई आ चुकी है। ब्रेकर यहाँ से चंडीगढ़ है पूरा 70 किलोमीटर, और निकलते हैं जल्दी जल्दी, चंडीगढ़ पहुँचते हैं। सो गाइस, चेस्ट माउंट हमने लगा लिया, अभी चलते हैं यहाँ से। ये सैनी मजरा का टोल टैक्स है यहाँ का। चंडीगढ़ 58 किलोमीटर। अम्बाला जाने वाले रास्ते पे हम पहुंच चुके हैं, तो जो सामने आपको ये कट दिख रहा है ना, ये अम्बाला जाता है इस साइड और राइट साइड, और यहाँ से जो हाईवे है वो तकरीबन 10 किलोमीटर या 12 किलोमीटर ही रह चुका है चंडीगढ़ वाला हाईवे, और उस हाईवे पे चढ़ते हैं। भाई सामने बहुत बड़ी चढ़ाई आ चुकी है और इसको चढ़ना पड़ेगा अब तो। चलो गियर डाउन करके ही चढ़ेंगे, कर लेते हैं गियर डाउन। और यहाँ से जो हाईवे है वो 10 किलोमीटर रह चुका है। ये देखो, बच्चों को देखो, ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्यों तोड़ रहे भाई? गंद पा दिया सानू, देखो इन सारे खराब करा गेरता हो। जाओ अच्छे बच्चे ना, बंद था कैमरा पे, जाओ चक्को इस रोड पर पर गिरगा, कोई गिर जाएगा। लो भाई, इस पूल पे हम पहुंच चुके हैं, ये क्या शानदार पूल है, वाओ मजा आ रहा है यार, अच्छा लग रहा है बहुत। ये नीचे रेल की पटड़ी है, आपको यहाँ से दिख नहीं रहा होगा, इसलिए ये यहाँ पे पुल बनाया है।
अब यहाँ से हमारी साइकिल जाएगी मस्त आगे, और आगे फिर पूल है, सीधा पूल के ऊपर चढ़ेगी। चलो इसको भगाते हैं हम अपनी बुगाटी को। चल भाई। नो गाइस, हम पहुंच चुके हैं दिल्ली टू चंडीगढ़ वाले हाईवे पे, और जो मैंने टाइमिंग सोची थी मैं उसी टाइमिंग पे पहुंचा हूँ, उससे 15-20 मिनट पहले ही पहुंचा हूँ मैं। वाह यार, मज़ा आ गया। मैं घर से चला था 10:30 बजे, तो अभी मैं 2 बजे यहाँ पहुंच चुका हूँ। अब हमें यहाँ से इस तरफ जाना है, इस तरफ चंडीगढ़ है, यहाँ से पूरा चंडीगढ़ आई थिंक 40 किलोमीटर है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि कुछ खा भी लेता हूँ, क्योंकि भूख भी लग गई है मेरे को। और 4 बजे के करीब मैं झील पर पहुँच जाऊँगा, देखते हैं। अभी रुकूँगा यार, 15-20 मिनट की ब्रेक लेंगे, चाय पियेंगे, खाना भी खाएंगे। और सुन, 2 ग्लास बनाना। सो ये है पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर। यहाँ से जो ये सामने पुलिस वाले नाके लग रहे हैं, यहाँ से उधरली साइड पंजाब है और इस साइड हरियाणा, इस साइड अम्बाला है और इस साइड चंडीगढ़ है। और हम रुके हैं यहाँ पे जूस पीने, तो जूस पीते हैं और फिर चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। जल्दी पहुँच जाऊँगा, और मैं यहाँ भी 15 मिनट पहले पहुँच चुका हूँ, जो मैंने सोचा था कि मैं 2 बजे पहुँच जाऊँगा यहाँ, और फिर भी मैं 15 मिनट पहले पहुँच जाऊँगा। सो जूस पी के निकलते हैं यहाँ से। एक और ग्लास में डाल लें। पी यार, चेयर्स कर, पी। अरे पी ले, अरे मैं तेरे लिए बनवाया, पी ले। अरे यार मैं अकेला नहीं पीता, कोई भी चीज़ है मैं अकेला नहीं पीता। या पी। गाइस, मैंने और भाई ने जूस पिया है दोनों ने, अभी दोनों ने साथ में, तो मेरे लिए इसने 30 रुपये का ग्लास लगा लिया, बट 40 का ये सेल करता है। चलो थैंक यू इसके लिए, और चलता हूँ यहाँ से, निकलता हूँ चंडीगढ़ की तरफ, तो जल्दी आपको आगे मिलता हूँ। लो जी मित्रों, अपा पहुँच चुके हैं लालड़ू। मैं इस टाइम 6 किलोमीटर ओनली 14 मिनट के अंदर कटिया, 6 किलोमीटर 14 मिनट दे। वाह यार। लो गाइस, अभी हम आए हैं होटल में, यहाँ खाना खुना खाते हैं और फिर निकलता हूँ आगे। मैं थोड़ा सा दप्पर से आगे ही आया हूँ, और गुरप्रीत पंजाबी ढाबा यहाँ पे आया हूँ, और अच्छा खासा दिख रहा है अभी। हाँ, अच्छा खासा फूड होगा, तो खाते हैं, मंगाते हैं कोई अच्छी सी डिश। हल्का फुल्का ही खाना पड़ेगा, क्योंकि साइकिल भी मेरे को चलानी है आगे। तो फ्रेंड्स, खाना वगैरह अपना आ चुका है और खाते हैं, और जल्दी जल्दी निकलता हूँ यहाँ से, और टाइम 3 बजने वाले हैं, 3 बजने में 5 मिनट ही रह गए बस, चलता हूँ जल्दी जल्दी यहाँ से। सो गाइस, खाना वगैरह अपना हो गया था, अभी खाना खाया अच्छा मस्त, और भूख भी लग रही थी, तो अभी चलते हैं। गाइस, हम पहुँच चुके हैं हल्दीराम। ये देखो, ये डेराबसी की एंट्री है, मतलब इसमें ये होता है डेराबसी, यहाँ से शुरू है, और डेराबसी पहुँच चुका हूँ। तो यहाँ रहते हैं हमारे पास लोकल, उनको तो पता है हल्दीराम क्या है। मेन थिंग ये है कि यहाँ पास में ही ना, जो ये पेट्रोल पंप दिख रहा है सामने, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर मेरी जो बुआ है उसका घर है, और अगर वो वीडियो देखेगी ना तो बोलेगी हमारे पास नहीं आया ये वो। उनका गांव ये है देवीनगर, यहाँ से 1 किलोमीटर है बस देवीनगर। सो अब यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं जा नहीं सकता, कि टाइम नहीं है। आते टाइम ज़रूर आऊँगा, देखेंगे, अभी मैं पक्का भी नहीं बोलूँगा। ये देवीनगर इस साइड है। हेलो गाइस, हम पहुँच चुके हैं जिरकपुर KFC के पास। आई थिंक यहाँ से इस तरफ को जाना है।
यहाँ से ना 15 किलोमीटर रह चुका है जहाँ पे धरना वगैरह लगा हुआ है बंदी सिंह की रिहाई के लिए और गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी के लिए। बस 15 किलोमीटर और फिर हम पहुँच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन पर। लो गाइस, ये है एयरपोर्ट रोड, यहाँ से 7-8 किलोमीटर है। सुहाना गांव, शायद सुहाना कोई गांव है या कोई सिटी है, आई डोंट नो, बट थोड़ी दूर रह चुका है। जाके देखते हैं वहाँ क्या सीन है, कैसा माहौल है वहाँ का। बाबू जी धरना कितने लगे हुआ? धरना आई कि दूर है जी? 2 किलोमीटर। अच्छा, मैं वो धरने से ही जाना जी। नहीं कोई नहीं, बस हाँ जी ठीक है जी। लगे हुआ जी धरना बंदी सिंह की रिहाई का। हाँ देखो, इतने लगे हुए धरना फिर इतने ही लगे हुआ धरना ठीक है। हेलो जी, हाँ माहौल है इतने धरने में। भाजी साइकिल ला सकता कोई प्रॉब्लम नहीं? साइकिल ला सकता इतने कोई प्रॉब्लम तो नहीं? इधर करके ला दंगा बिल्कुल। हूं ही पहुंचा यार, मैं सवेर का राइड कर रहा। चंडीगढ़ मोहाली पहुंच चुके हैं धरने दे, इत्थे बंदी सिंह दी रिहाई लई धरना लगाया होया। ते बई जी इत्थे रौनका बहुत आ, मैं एक्सपेक्ट नहीं किया सी वी इन्नी रौनका इत्थे होणगीआं। तुसीं देख सकदे हो पिछे इधर इत रहन की जगह दिती है थोड़ी, ये तंबू चो उतारते साइकिल मेरा इतने खड़िया, तो जाके अगे तुम सारा व्यू दिखाना कि इतने कि रौनक लगी हुई है सब कुछ, तो तुम देख सकते हो। उधर कैंप वगैरह लाए हुए ने। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
आ देखो जी लंगर का प्रोग्राम, चाह का प्रोग्राम, ब्रेडा का प्रोग्राम। आ रहा जी लंगर का प्रोग्राम इत्थे। दीप सिद्धू भाई अज भी लोग तेन याद करते हैं। हाँ जी मित्रों, सब नूं बेनती आ वध तों वध इस बंदे इस धरने च जुड़न ते इत्थे आउण। ते इत्थे दा माहौल बहुत ज़्यादा मतलब कि वधिया आ, लोग बहुत बहुत दूर तों आए हुए हैं, सारा पंजाब इत्थे इकट्ठा होया हुआ। तो भाई जिहड़ा जिहड़ा बंदा वेला आ, थोड़ा बहुत अपने घर तों कम काज तों थोड़ा फ्री आ, तो जिहड़ा नहीं भी फ्री थोड़ा जिहा टाइम कढ़ के इत्थे मतलब कि पहुँचो। तो जो माहौल है तो इत्थे इहदा पार्ट बनो। तो लो जी मित्रों, अपने भराया नूं इत्थे तंबू वगैरह लाया होया, ये सारा सिस्टम आप इन्होंने किया होया। तो अंदर है जो इत्थे इन्हां दा मतलब कि बैठण दा थोड़ा बहुत बालकनी, तो ये बाइयां दा टेंट आ, टेंटा बाइयां दा इत्थे रह सकते हैं आराम नाल, पंज सत बंदे आराम नाल रह सकते हैं इत्थे। हाँ व्यू आ जी टेंट दा, तो चंगी लाइट वगैरह लाई हुई है, वधिया सिस्टम कराया हुआ भाइयों ने। ठीक है वीरो, वध तो वध बंदे इत्थे जुड़ो गुरु साहब के